मेरी नहीं मानेंगे तो क्या बनेगा यो? ये बात ध्यान कर लेना मुख्यमंत्री जी, यो बनेगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। बड़े जी बात तो उसकी ताइद करता हूँ, और ये जो बिल लाए हैं और जो रिजर्वेशन बीसीए का दिया है, मैं इसका बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। लेकिन अगली बार रिपीट जब करेंगे, जब मेरी बात मानेंगे, अगर मेरी नहीं मानेंगे तो क्या बनेगा यो? ये बात ध्यान कर लेना मुख्यमंत्री जी, यो बनेगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर ये पोर्टल ई टेंडरिंग और ये ओडंगा चालू रखा तो पक्का ही नहीं आगे। स्पीकर सर ऐसे है कि थोड़ा सा एक मिनट मैडम, एक मिनट। उप सभापति जो है वो अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक एक आदमी जब बोलता है तो उसकी सारी सेंस को सारे को समझना चाहिए कि कहाँ से पॉइंट शुरू हुआ, किससे पॉइंट शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपके रूल्स क्या कहते हैं, वो बातें होती हैं। आप तो मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए हैं, आप तो मैच्योर्ड आदमी हैं, आप इस बात के लिए, वो तो एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स होती है कि अगर उधर कर दिया तो उधर, तो ये एक उसमें होता है। ऐसा कुछ नहीं, हम भी चाहते हैं इस बात के लिए कि आप कोई बीसीए के ज्यादा ठेकेदार नजर आते हैं कि जैसे और कोई बीसीए की परवाह नहीं करता किसी हालत में। अगर बिल्कुल विरोधी, यही तो बात है आप बात की, यही तो आप राजनीति करते हो, यही तो आप राजनीति करते हो। एक मिनट, यही तो आप राजनीति करते हो, यही राजनीति पीपी के हिसाब से है, यही राजनीति है, यही सैनी साहब तो अपने भी है, वो उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखेंगे इस बात के लिए। पर बात यह है कि जो बात होती है उस संदर्भ में ही सारी की सारी बातें होनी चाहिए। आप इस बात को लिए कि क्लासिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हम कानून बना रहे हैं, कानून लोगों के पास जाएगा, सब कुछ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपका म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, उसके अंदर रूल्स क्या कहते हैं, उसकी धारा के प्रवाह के अंदर ये बातें कही जाती है। ना तो इस बात के लिए आप संज्ञा दें कि मैं या हमारी पार्टी कोई बीसीए के खिलाफ है या कुछ है। हम बीसीए का भी पूरा उतना सम्मान करते हैं और उनको ऊपर अपलिफ्ट के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों से ज्यादा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।